कुमार कौशल, डायरेक्टर प्रांतिक विकास रेलवे और होशियारपुर पंजाब। आज की डेट में हम अपने बीएसएफ के प्रहरियों के पास पहुंचे हैं, तो आपको आपके परिवार के लिए, के बेनिफिट के लिए और आपके बेनिफिट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। तो हमारा ये शरीर उस सुप्रीम पावर का, जिसे हम कई नामों से पुकारते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान, तो उसने हमें सबसे बहुमूल्य गिफ्ट दिया है ये जीवन, ये शरीर। तो इस शरीर में अगर हम अच्छी चीज़ें डालते हैं तो हम लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगे और अपने पूरे जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अब मैं रंजीत कुमार कौशल, मेरी जीवन की किताब में लिखा हुआ है कि मैं 70 साल की उम्र में कोई ऐसा काम करूंगा, बड़ा काम, जिससे कि मैं अमर हो जाऊंगा, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बड़े बड़े हमारे कई लोग, जैसे भगत सिंह जी अमर हो गए, तो उसी प्रकार से मैं भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं डेली जो है वो गलत चीजों का इनटेक कर रहा हूं, गलत चीजें खा रहा हूं जो कि मेरे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, तो क्या होगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा और अल्प मौत मर जाऊंगा 40-50 साल की उम्र में। तो क्या मैं वो जीवन में बड़ा काम जो करने आया था, जिस लिए मैंने जन्म लिया था, वो काम मैं कर पाया? नहीं हुआ, तो ये मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो मेरे साथियों, हमारा ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है, सभी जानते हैं। इन पांच तत्वों का मैं बताता हूं आपको, भो से भूमि, गो से गगन, बो से वायु, ओ से आग और नो से नीर, क्या बन गया? भगवान, गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉय। बोले तो ब्रह्मा जनरेटर, विष्णु ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर महेश। तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई, ये घटक हैं और इन घटकों को हम यहाँ पे अपने शरीर में भी ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मा, ये मैंने पकड़ा अपने शरीर में, जो ब्रह्मा तत्व है इसे बोलते हैं वात। इसके बाद में ये मैंने पकड़ा, इसे बोलते हैं विष्णु, इसे बोलते, ये बोला है पित्त, और थर्ड पे आया ये पकड़ लिया मैंने, इसे बोला है कफ, महेश। वात पित्त कफ का पता चला, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे मिल गए हमें। लेकिन हमारा ये शरीर पांच तत्वों से बना है, तो भो से भूमि, भूमि मतलब मेरी ये चमड़ी, मेरा ये शरीर, ये पुतला, ये भूमि तत्व है। गो से गगन, एक सेकंड में मैंने आंखें बंद की, मैं दिल्ली पहुंच गया, और आंखें खोली और यहां खड़का मैं। ये जो मेरी कल्पना शक्ति है, सोच है, ये गगन है। गो से वायु, ऑक्सीजन फॉर्म में गेन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कुछ मिनटों के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है ये बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, उसी समय मृत्यु। वो से वायु, ओ से आग, थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है, इस टाइम हम सभी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल। जब ज्यादा होगा या कम होगा तो हम बिस्तर नहीं छोड़ पाएंगे, अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे चक्कर खा के गिरेंगे। ओ से आग, नो से नीर, हमारा ये शरीर जो है वो 70% वाटर है, पानी की अधिकता हो जाती है, हम तब भी परेशान रहते हैं और पानी की कमी होने पे भी परेशान रहते हैं। तो जब तक हमारे ये पांच तत्व जो है वो मुट्ठी बंद करके मौजूद हैं और संतुलित मात्रा में हैं, तब तक एक कहावत है, बोला पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा, घर में आए वैद्य हकीम तो मारो डंडा। मतलब ये है कि जब आपके हमारे हाथ और पांव गर्म रहते हैं, पेट नरम रहता है और माथा ठंडा है, मतलब हम 100% निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, हमें किसी वैद्य हकीम डॉक्टर साहब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपके हाथ और पांव ठंडे ठंडे रहना शुरू हो जाएंगे, पेट आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका माथा जो है वो गर्म रहना शुरू हो जाएगा, इट मींस कि आपका ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, हमारा ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, ये सर्विस मांग रहा है, डिमांड कर रहा है सर्विस की। तो हमारे शरीर को सर्विस किन चीजों से प्राप्त होती है,
भगवान धन्वंतरी के बारे में मैं बताता हूँ। समुन्द्र मंथन हुआ था, समुन्द्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए जो है वो दोनों ने ताकत लगाई, तो उसमें अमृत मंथन के दौरान जो है वो समुन्द्र मंथन के दौरान कई प्रकार की चीजें प्रकट हुई, जिनमें कल्प वृक्ष, फिर अप्सराएं, देव, कई चीजें प्रकट हुई। लेकिन उनके लक्ष्मी माता भी समुन्द्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, जिसको हम महालक्ष्मी बोलते हैं। तो अभी एक डॉक्टर साहब भी प्रकट हुए, उनका नाम है धन्वंतरी। क्या नाम है? भगवान धन्वंतरी के नाम से जानते हैं उनको। तो भगवान धन्वंतरी ने समाज कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, हम जीव जंतुओं के कल्याण के लिए जो है वो प्रकृति में कई प्रकार की जड़ी बूटियां बिखेरी, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका के समाधान भगवान धन्वंतरी ने हम लोगों के लिए नहीं दिया। हमारी हर एक दवाई इस प्रकृति माता के पास अवेलेबल है, लेकिन हमें अंग्रेजों ने सिखाया कि गोली खाने से ही ठीक हो सकते हैं, इंजेक्शन लगवाने से ही ठीक हो सकते हैं। चाय बहुत खराब चीज है, किसने सिखाई? अंग्रेजों ने सिखाई, वो छोड़ चुके हैं, वो बहुत अवेयर हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दी गलत चीजें और हम लोगों ने अपना ली है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक बहुत बड़ा भयानक काम करते हैं अपने इस शरीर रूपी मंदिर को बेकार करने के लिए, खराब करने के लिए। उस चीज का नाम है दूध। पीते हैं सभी? एक गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा दूध केवल तब तक पीता है जब तक उसकी माँ के शरीर से वो निकल रहा है, उसकी माँ उसे प्रदान कर रही है। फिर क्या गाय का बछड़ा दूसरी गाय का दूध पिएगा? नहीं, नहीं पिएगा। और फिर वो पूरी उम्र तक जब तक जीवन यापन करेगा दूध नहीं पिएगा। लेकिन हम लोग इतने अपने आप को क्या बोल सकते हैं, अल्पज्ञानी हैं कि हम बुढ़ापे तक दूध पीते रहते हैं। और ये दूध जो है, इसकी जो चिकनाहट होती है, इसकी वजह से हमारे शरीर में लेयर्स बन जाती हैं। मैं आपको बताऊं, आपका शेंक होता है ना, इसमें बाथरूम में शेंक होता है, हैंड वॉश होता है ना वो शेंक, या फिर वो बर्तन साफ करने वाला होता है, तो उसकी जो पाइप होती है उसको कभी खोल के देखिएगा, उसमें कितनी उसकी गंदगी साफ नहीं कर सकता है आम आदमी, ऐसे ऐसे करके, मैंने मतलब वो साफ होगी नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने तेलीय पदार्थों का इस्तेमाल कर करके अपना अंदर जो बड़ी आंत, छोटी आंत, पाचन तंत्र है, इसको खराब कर रखा है। तो इनके समाधान के लिए भगवान धन्वंतरी ने हमें क्लोरोफिल जूस प्रदान किया है। क्लोरोफिल कहां से प्राप्त होती है? हरे पत्तों से। तो हरे पत्ते कौन कौन से हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अब इतने सारे लोगों में मैं बोल सकता हूं कि एक दो बंदे ऐसे जरूर होंगे जिनको की किडनी स्टोन है, हां के ना, मतलब चेक नहीं कराया कोई बात नहीं, लेकिन होंगे। अब किडनी स्टोन्स को दूर करने के लिए धन्वंतरी भगवान ने पत्थर चट, जो कि आपके खड़का कैंप में बहुत लगा हुआ है, पत्थर चट जानते हैं, चौड़ा सा पत्ता होता है, उस पत्ते को फेंक दो पौधे उसमें से निकल आएंगे। इसके बाद में दिमाग की टॉनिक, बिल्कुल दिमाग के जैसी दिखती है, हिंट भी दी हुई है उस मालिक ने, दिमाग की टॉनिक बिल्कुल दिमाग के जैसी है। तो बताएं क्या, अखरोट को कभी खोल के देखा है? साबुत गिरी आ रही है, वो बिल्कुल हमारे ब्रेन की जीरोक्स कॉपी है। लेकिन कितना इस्तेमाल करना चाहिए? प्रतिदिन हम लोगों को एक अखरोट डेली खाना चाहिए सभी को। लेकिन कभी तो हमारे पास, हम 6-6 महीने साल साल भर खा नहीं पाते हैं, और जिस दिन कभी मिल गया तो हमने 1 किलो आधा किलो पाइया इकट्ठा ही खा लिया। अब ये शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने एक अखरोट में से जितने तत्व लेने हैं वो हमें इसने ग्रहण कर लिए, अब्सॉर्ब कर लिए। अब एक के बाद में हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां जो खाएंगे वो कहां जाएगा? वो वेस्ट में जाएगा। तो आप लोगों
के घरों में आप ले जाते हैं अपने भाई बहनों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, बादाम ले चलते हैं जी कैंटीन से, अखरोट ले चलते हैं, लेकिन आप ले तो गए लेकिन उनको खाने की तमीज भी सिखानी है कि अगर प्रतिदिन हम 2 बादाम और 1 अखरोट खाएंगे तो 2 महीने में हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन एक बार में ही खा लिए और दूसरे दिन मिला नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। पता चल रही है मेरी बात आपको? तो पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा रखने के लिए हमारा ये अमृत रस। मैं यहाँ पे आज लंगर लगाने आया हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ मिलिट्री पैरामिलिट्री में, एसटीसीज में, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स में मैं लंगर लगाता हूँ, तो हमारे पास कैंपर में ये डाल के लाए अमृत रस, और इतना बेहतरीन जूस है कि इस एक बोतल से आपके घर में 60 गिलास बनेंगे, 60 ग्लासेस ऑफ जूस। कितनी बोतल से? इससे। अब अगर आपने रेडी पे बनाते हैं ना जूस का, जूस बनाते हैं फ्रूट जूस, वो अच्छे वाला जो लेना होगा आपने, तो वो 50 रुपए का कप देते हैं, 50 रुपए का गिलास देते हैं। मैं बताऊं वो 50 रुपए का गिलास जो है वो इसके इसके इस जूस के आगे 0 है, क्योंकि ये हमारे शरीर में से हर प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल को वॉश आउट करता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। और बोला है कि पेट साफ तो हर रोग माफ, मतलब अंदर जितनी भी हमने गंदगी स्टोर कर रखी है ना, जिसकी वजह से हम बीमार होने वाले हैं, उस सारी गंदगी को ये साफ कर देता है। इसका सेवन करने का तरीका, सुबह खाली पेट हमें गर्म पानी के साथ में लेना होता है। और हमारे पंजाब की बात करें, स्टेट पंजाब की, तो हमारे पंजाब में 95% पीपल जो कि अबव 40 हैं वो फैटी लीवर हैं, फैटी लीवर। रीजन क्या है? दारू बड़ी पीते हैं, है ना, आप में से भी बड़े लोग पीते होंगे। तो मैं दारू के ऊपर भी थोड़ा सा बोल देता हूं कि अंग्रेजों ने जो दारू बनाई थी उसके ऊपर लिखा था, पहली दारू जो बनी थी उनकी मेरे जनरल नॉलेज के हिसाब से, उसका नाम था XXX रम। तो XXX का मतलब होता है 30 डेज, और रम का मतलब होता है रेगुलर यूज मेडिसिन। तो 30 डेज रेगुलर यूज मेडिसिन मतलब 3 लोगों के लिए जो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, जो लोग माइनस टेम्परेचर में हैं, और जिनको जो वो खाया पिया डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हीट चाहिए, तो 30, अगर आप 750 ml होता है एक बोतल में, 750 ml होता ना, अगर 750 को आप 30 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 35 ml आता है। कितना आता है? और 35 ml को भी जो अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 10-10 ml हो जाता है। तो ठंडे इलाके में वहां बर्फ गिर रही है, माइनस टेम्परेचर है, ऐसे बाहर निकलेंगे कुल्फी जम जाएगी। तो वहां पे बोला था कि आप पहले खाना खा लो, खाना खा लो और ऊपर से 10 ml फेंक दो। अब वो जो खाना खाया हुआ होगा उसको 10 ml ऊपर गिरेगी, इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? लगाइए ताली। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं, मतलब काम अकल हो गए हैं कि खाने के लिए कुछ है नहीं है, नमक के चुटकारे से पूरी बोतल खींच जाएंगे। तो यार ये इतनी मुशक्कत से, इतनी मेहनत से सुप्रीम पार ने हमें ये तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को, इस शरीर को। बोला है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिस शख्स के पास ये 4 सुख जो है वो मुट्ठी बंद करके मौजूद है, उसका ये जीवन इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। और जिसके पास इन 4 में से 1 भी सुख का अभाव है वो नरक में है। तो सोचिए कि आप में से कितने लोग स्वर्ग में है और कितने नरक में। तो इसलिए आप लोगों को, अगर आप अच्छे होंगे तो अपने परिवार को अच्छा गाइड कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना मेरे परिवार का बड़ा बुरा हाल है, बेटा बात नहीं मानता है, बीवी नहीं मानती बात, तो कमी किसकी है? कुछ कमी है ना, तभी ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला सुख है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर के लिए देखिए, हमारा जो खाना है उसको इजिली डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर फूड चाहिए। अब कनक खाते हैं हम, चपाती खाते हैं, उसका छिलका निकल चुका होता है, उसकी कोई और आइटम बन गई है,
सूजी निकल चुकी है, जो आटा आ रहा है वो बेकार है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग खेती बाड़ी करते थे उसमें मल्टी ग्रेन कनक बीजते थे, साथ में चना भी बीजते थे, और जो कनक और चना जब साथ में बीजा जाता था वो फाइबर प्रोडक्ट हो जाता था, कभी कब्ज नहीं होती थी, हमें कैंसर होता है, हमारा हार्ट डिस्टर्ब होता है, बीपी हाई होता है, हमें यूरिनल प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, सभी दिक्कतों की एक वजह है कब्ज। 100 रोगों की जननी का नाम है कब्ज। पेट साफ तो हर रोग माफ। तो इसलिए मेरे साथियों, आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये अमृत रस जो है, जो बड़ा दुर्लभ है, इसमें क्या क्या चीजें डली हुई है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें सबसे पहली आइटम डली हुई है केले के पेड़ का रस। केले के पेड़ को जब काटते हैं तो उसमें से रस निकलता है, वो इसमें है। दूसरी चीज है शतावरी, सफेद चंदन के पत्तों का रस। शीशम मतलब टाली, टाली के पत्तों का रस। पत्ते कौन से? सॉफ्ट लीव्स, न्यू बॉर्न लीव्स, जो कुमड़ा कुमड़ा कह सकते। फिर राम शाम तुलसी, पत्थरचट, पीपल के सॉफ्ट पत्ते। फिर वटवृक्ष, वटवृक्ष जानते हैं, वड़ के पत्ते। सोलो संजीवनी, ये लद्दाख में मिलती है, लद्दाख हाई अल्टी ग्लेशियर में मिलती है, जहां से बर्फ हटती है वहां पे एक बूटी पैदा होती है, उसका नाम है सोलो संजीवनी, उसकी जड़ें इसमें डली हुई है। साथ में चमेली के पत्तों का रस, दूधी के पत्तों का रस, कचनार, कचनार जानते हैं, जिन लोगों को का प्रोस्टेस की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेस की प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में मैक्सिमम लोगों को होती है, पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, बड़ी ताकत के साथ ये दर्द होती है, तो प्रोस्टेस के लिए कचनार के पत्तों का सॉफ्ट लीव्स लेने, कचनार के पेड़ के, और उसके ऊपर एक कुर्बी आता है जिसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, हिमाचली होंगे तो आपको समझ आएगा, है ना, कचनार के कुर के सब्जी, तो इसको पीस दीजिए और इसका अर्क निकाल दीजिए, जिस बंदे को प्रोस्टेस की प्रॉब्लम है, पेशाब रुकने की दिक्कत है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में ही, जबकि एलोपैथी में चीरा काटी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद में कचनार बता दिया, मेथी है, जायफल है, गेहूं के जवारे का रस। इस पृथ्वी में सबसे अमृत चीज है तो वो है गेहूं के जवारे का रस। इसका एक ढक्कन जो है वो एक गिलास जूस बनाता है। तो अभी मैं सबसे पहले, सरदार जी आइए इधर, एक गिलास पानी का लाइए भाई साहब। सबसे पहले हम अपने, क्या भाई साहब आपका नाम? गुरमीत सिंह साहब को हम ये अमृत रस पिलाएंगे, फिर इनसे हम पूछेंगे कि कैसा स्वाद है। ये शुरू में हमें कड़वा लगेगा और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में हमारा टेस्ट जो है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो अमृत रस है, ये मेरे साथियों आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर जो लिखी हुई चीजें हैं वो महाभारत है, कलेक्ट करना, खुद भी बना सकते हैं। इसकी कीमत है 550 रुपए, और 550 रुपए में 60 गिलास जूस के बनते हैं, 60 ग्लासेस ऑफ जूस एक बोतल में। तो अभी ये आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सन के लिए ये सिर्फ 350 रुपीज का प्रोवाइड करवाया जाता है, 350 रुपए का, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसके बाद में अगली चीज है, जो लोग फैटी लीवर हैं, लीवर सूर्यासिस तक के लिए एक ढक्कन इसका डालना है, एक ढक्कन इसका, इसमें पुनर्वास साटा डाला हुआ है मैक्सिमम, तो एक ढक्कन इसका एक इसका डाल दिया और पी लीजिए, सुबह खाली पेट पी लीजिए, दोपहर को खाने से पहले पी लीजिए, रात को खाने से पहले पी लीजिए, और इससे जो है वो मात्र 1 या 2 महीने में हमारा लीवर जो है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो पीजीआई चंडीगढ़ से डेली 10 डेड बॉडीज निकलती हैं, जो कि लीवर सूर्यासिस और क्योंकि गलत खान पान है, तली हुई चीजें, समोसे खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन शरीर को बेकार करते हैं। तो जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। तो ये जो साटा का जूस है, इसकी कॉस्ट है 159 रुपीज, ये आपको 100 रुपीज में प्रोवाइड करवाया जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। मेडिकल स्टोर से लेना होगा तो 159 का ही मिलेगा। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.